भजहु कौशला। बड़े भ्राता श्री, मैं बारंबार आपके चरणों को पकड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा कहना मान लीजिए। जगत माता जानकी को राम के पास पहुंचाकर भगवान का भजन करिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है, आपका हित हो सकता है। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कठ कहे पठई यह बात, तुरत सुमे प्रभु सन कही पाए सुअब सरता। बड़े भ्राता श्री, जो हमारे बाबा पुलस्त मुनि थे, उनके शिष्यों द्वारा मैंने जो बात कही वो आपके सामने रखी है। आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। मालवंत अति सचिव सयाना और तास बचन सुने अति सुख माना। महाराज लंकेश, मैं भी आपसे बार बार यही विनय कर रहा हूँ कि जो आपके भ्राता श्री विभीषण जी ने कहा है कि माता श्री जानकी जी को साथ में लेकर और प्रभु की शरण में जाइए, जिससे कि आपका कल्याण होगा, आपके जीवन का कल्याण होगा, इसी में हित है, वरना अनहित ही अनहित है। आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन कल्याण के लिए आप प्रभु का भजन कीजिए तो आपका उद्धार है। या तो विभीषण ही सत्य कह रहा है या फिर तू। यहां कोई है? इस मूर्ख का कान पकड़ के कारागार में डाल दो, से ले जाओ, मेरी नजरों से दूर करो से। लंका में रहते हो, लंका का माल खाते हो और घुलानवाद दुश्मनों का गाते हो। अरे यहाँ की अन्न की शरम करो, इन टुकड़ों की शरम करो। जहाँ रह रहे हो और वही पत्तल में खेत कर रहे हो। सुमति कुमति सबके उर राई, पुराण निगम अस कहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। भ्राता श्री, आप भली भांति जानते हैं सुमती और कुमती प्रत्येक मानव के हृदय में निवास करती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वेद पुराण संतों का कथन है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ पर कुमति का निवास हो जाता है वहाँ पर तो मनुष्य के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता, और जहाँ पर सुमति निवास हो जाती है वहाँ पर तो मनुष्य के लिए हमेशा सुख संपत्ति, कोई बात की परेशानी नहीं, हमेशा खुश रहता है वो। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, और तेही सीता परी प्रीत घने। और जगत माता सीता का जो हरण करके लाए हो, ये राक्षसों के लिए सीता काल रात्रि के समान हो चुकी है, ये काल है, और तुम उन पर प्रीत कर रहे हो, सीता पर प्रीत कर रहे हो, ये समझ लो कि लंका का अब विनाश का समय आ चुका है। तात चरण गही मागी हो, राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहे
सहित न हो ये तुम्हारा। श्री मैं आपसे कहता हूँ, आपके चरणों को पकड़कर मेरा दुलार रख लीजिए, मेरा कहना मान लीजिए, जब तक आप श्री जानकी को भगवान के पास नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपका हित होने वाला नहीं है, आपका हमेशा अहित ही रहेगा। सुनत दशानन उठा रिसाई, फल तो ही निकट मृत्यु अब आई। वाह वाह रे विभीषण वाह, थोड़ा तो विचार किया होता तूने कि मेरे राज्य में रह रहा है, मेरे राज्य का खा रहा है, और गुड़ तू तपस्वियों के गा रहा है। अरे कायर बुजदिल डरपोक बेशर्म, बस बस खामोश विभीषण हो। मैंने एक बार तेरी बात मानी, और तेरी बात मान करके मुझको क्या प्रणाम मिला कि सारी लंका में आग लगा दी उस मंदिर। यदि मैं तेरी बात नहीं मानता मैं उसको मृत्यु दंड ही देता, लेकिन तूने बीच में आकर के मुझसे निवेदन किया और मैंने तेरी निवेदन को स्वीकारा, उसको छोड़ दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि वह बंदर सारी लंका को जला करके और समुद्र के उस पार पहुंच गया। और अब तू कायरता की बात करके मुझे डरा रहा है, मुझे नीचा दिखा रहा है। कायर बुजदिल डरपोक बस बस खामोश विभीषण हो, अनुचित है सजा बिरादर को। यदि तेरी जगह पे और होता तो मैं देता काट उसके सर को। तू घर वाला होकर के घर को मिट्टी में मिला रहा है, तू ये छत्रराज सिंहासन को मिट्टी में मिला रहा है तू। अरे दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना मंजूर मुझे सीता देना मंजूर नहीं। ओ कुलद्रोही कायर कुपुत्र ओझल हो जा मेरी आंखों से, बकवादी तेरा काम नहीं, जा मिल जा तपसी। अस कही कीन इस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार ही बारा, तुम पितु शरीर से भले मुही मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। बड़े भ्राता श्री आपने मेरे ऊपर चरण का प्रहार किया, इसमें मुझे कोई शिकवा शिकायत कोई गलानी नहीं है, क्यों आप बड़े हैं पिता तुल्य हैं, इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु मैंने ये देख लिया और विचार कर लिया, अनेक प्रकार से तुमको समझाया, लंका नगरी में इस समय कुंती का निवास हो चुका है, अब लंका राष्ट्र का निशाचरों का विपरीत समय आ रहा है। राम सत्य संकल्प बसी और सभा काल बस तो मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे हो जन को। क्यों भगवान श्री राम दंडकारक वन में आकर प्रतिज्ञा कर चुके हैं, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूंगा। वो समय अब नजदीक करीब ही आ चुका है और इन लंका राष्ट्र का अब समय बहुत खराब हो आ चुका है, मुझे कोई दोष मत देना। लंका राष्ट्र के सभी सचिवों मंत्रियों मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ। चला जा अपनी मनहूस शकल मेरी नजरों से दूर ले जा, जा उन्हीं के सामने अपनी धूम हराना, उन्हीं के टुकड़ों पे पलना, जा ले जा यहाँ से अपनी शकल को। ठीक है
चाचा जी हाँ मैं क्या कर, यदि मैं महाराज से कहता हूँ सीता को वापस कर दो तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इसलिए चाचा जी आप चलिए, मैं भी आ रहा हूँ आपके पीछे। ठीक है, तुम आकर वहाँ क्या करोगे? तुम्हारे लिए अपना उधार पूर्ति यही करनी पड़ेगी, लेकिन गुप्तचर बनोगे, लंका राष्ट्र की खबर देते रहोगे रामादल में। ठीक है, रावण ने मुझे ठुकराया, मैं शरण राम की आया, रावण ने मुझे ठुकराया, मैं शरण राम की आया, देखी हो जाए शरण जल जाता, अरुण मृदुलो सेवक सुखराता, रावण ने मुझे ठुकराया, मैं शरण राम की आया, मैं शरण राम की आया, मैं शरण राम की। आज मेरे कितने हो भाग्य हैं, आज मैं उन प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन करूंगा, जो चरण हमेशा अपने भक्तों को सुख देने वाले। जे पद परस तरी ऋषि नारी और दंडक कानन पावन कारी, जिन चरणों की रज लगते ही गौतम पत्नी अहिल्या हजारों वर्ष से पाषाण की पड़ी हुई थी, उसका उद्धार हुआ उन चरणों की रज लगते ही, आज मैं उन्हीं प्रभु के दर्शन करूंगा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला मेरा, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी होए सुख के सब साथी दुख में को, चरण पादकाओं की सेवा भगवान श्री राम के छोटे अनुज भरत लाल नंदी ग्राम में उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, आज मैं उन्हीं प्रभु के जाकर दर्शन करूंगा। निवेशन जी भगवान श्री राम जी कटक की ओर चल रहे हैं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, काबिल नहीं तेरी मेहरबानी का, ओ बोल
बोझ इतना किसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, किसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर लौटता हूँ। हम क्या देख रहे हैं, लंका की ओर से ये कौन आ रहा है? कहीं कोई गुप्त भेद लेने के लिए कोई दूत तो नहीं रावण ने भेजे हैं? मुझे चल के तात हनुमान जी से कहना चाहिए। हनुमान जी।